एक बार खाओगे तो बार बार चाहोगे। स्वाद और शुद्धता का दूसरा नाम रोहित की रसोई मसाले। सब्जी मसाला, चाट मसाला, छोले मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, शाही पनीर मसाला सहित बहुत कुछ। खरौंदी से योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। खरौंदी प्रखंड प्रमुख धर्मराज पासवान ने पैक्स दुकान द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी का उजागर करते हुए कहा है कि पैक्स दुकान के अध्यक्ष द्वारा जनता से यूरिया खाद का मूल्य से ज्यादा लिया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट के अनुसार 267 में एक बोरी देना है और पैक्स दुकानदार द्वारा 350 से लेकर 500 तक लिया जा रहा है। यदि कोई भी किसान 267 में मांगता है तो नहीं दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि यूरिया खाद गोदाम में नहीं है, खत्म हो गया है, और किसान को ना देकर बनिया की दुकान में यूरिया खाद को सेल हो रहा है और किसान को भी बनिया की दुकान से महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। पैक्स अध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास द्वारा बताया गया कि मेरे ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है और यह सब चुनावी समर को देखते हुए किया जा रहा है। मैं धर्मराज पासवान, प्रखंड प्रमुख खरौंदी, सह अध्यक्ष जिला प्रमुख संगड़वा। हमारे खरौंदी प्रखंड में, खरौंदी में एक पैक्स है जिसका अध्यक्ष हैं हमारे विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई उपेंद्र दास जी। उनके द्वारा धरने से बेईमानी जनता से किया जा रहा है। जनता को, उनको किसानों को 266 रुपये मात्र धान, ये आपको खाद देना है यूरिया खाद, जिसके बदले तो जनता 350 से 500 रुपये तक ले रहे हैं। जो जनता उनको पैसा देने में आनाकानी करता है कि नहीं, हम 266 रुपये में ही चाहिए, सरकार का रेट है, उसको बोलते हैं हमारे पास खाद नहीं है, आप कहीं से और ले लीजिए। और उस खाद को, किसानों की खाद को जो सरकार ने पैक्स में दिया है किसान को वितरण के लिए, उस खाद को वो बनिया के साथ बाजार में बेच देते हैं अच्छे भाव लेकर के और ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और भ्रष्टाचार का पूरा व्याप फैलाए हुए हैं खरौंदी के अंदर। मैं मांग करता हूँ कृषि विभाग से इस पर सख्त कार्रवाई करें। जनता को भी अपनी हक अधिकार के लिए जागना चाहिए, वो जागे और अपना मात्र 266 रुपये उनसे पाए।